ये राम को मिथक कहते हैं और जीसस को इतिहास। इस वीडियो का उद्देश्य जीसस पर सवाल उठाना नहीं, राम पर उठे हुए सवालों के जवाब देना है। चैत्र मास की नौवीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ हुआ तब श्री राम का जन्म हुआ। जीसस का जन्म हुआ तब आकाश में पूरब की ओर एक तारा बड़ी तेजी से चमक रहा था। ये है श्री राम की जीनियोलॉजी, उनकी वंशावली। सच क्या है? सच है जीसस की वंशावली। पर कौन सी वाली? मैंने तो जीसस की दो अलग अलग वंशावलियां पढ़ी हैं। अब हमें अपने राम पर उठने वाले प्रश्न चिन्ह स्वीकार नहीं है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है।